हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल आर्ट अगेन। नए नए आइडियाज और पैटर्न्स के लिए मेरे चैनल सोल आर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिए। आज का ये जो बैग है हमारा, ये हमारा कलमकारी फैब्रिक में है और क्योंकि इस फैब्रिक का बहुत ट्रेंड है तो मैंने ये बैग बनाने के लिए कलमकारी फैब्रिक का यूज किया है और उसे ये इस तरह से टैसल लगाए हैं नीचे की तरफ दोनों, ये जो फ्लैप है उसको, इसलिए वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसका बेल्ट बहुत ही बड़ा है तो आप इसे स्लिंग बैग या साइड बैग की तरह यूज कर सकते हैं और ये बैग कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें इतना बड़ा एक पॉकेट है हमारा जिसमें आपके बुक्स वगैरह रह सकते हैं और भी हमने कई पॉकेट्स इसमें तैयार किए हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है और आपको ये बनाने के लिए क्या क्या चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी। आज का बैग बनाने के लिए आपको प्रिंटेड कपड़े में आधा मीटर कपड़ा लगेगा और प्लेन फैब्रिक जो है वो सिंपल कॉटन का फैब्रिक है वो 3/4 मीटर यानी पौना मीटर कपड़ा लगेगा। और जो पीसेस हमें काटने हैं वो इस तरह से है, 23 इंचेस बाय 11 इंचेस का एक क्विल्टेड पीस और एक लाइनिंग पीस, 22 इंचेस बाय 11 इंचेस का एक क्विल्टेड पीस और एक लाइनिंग पीस, 6 इंचेस बाय 11 इंचेस का एक लाइनिंग का पीस, 10 इंचेस बाय 11 इंचेस का एक लाइनिंग का पीस, 75 इंचेस बाय 6 इंचेस का एक लाइनिंग का पीस, 75 इंचेस बाय 2.5 इंच का एक स्पॉन्ज का स्ट्रिप, 2 मैग्नेटिक बटन्स और टैसल्स और पॉम्पॉम की लटकन्स ये ऑप्शनल है। सबसे पहले 22 इंचेस बाय 11 इंचेस 22 इंच बाय 11 इंचेस का जो हमने लाइनिंग का पीस लिया है उसके ऊपर हम पॉकेट्स जोड़ेंगे। उसके लिए ऊपर की तरफ से 13 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग करने के बाद यहां से ऊपर की तरफ हम इस पे पॉकेट्स जोड़ेंगे। पॉकेट्स जोड़ने के लिए मैंने 6 इंच बाय 11 इंच 6 इंचेस बाय 11 इंचेस की एक पट्टी ली थी और उसे दोनों ओर से मैंने फोल्ड करके लिया है और उसे मैं बीचों बीच एक इलास्टिक का टुकड़ा जोड़ूंगी। इस तरह से मैंने इलास्टिक का टुकड़ा जोड़ दिया और उसे बीच में 2 स्टिचेस भी कर दिए ताकि ये हमारे यहाँ पे हम इसके पेंस लगा सके। और अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा टोटल 5.5 इंच का है तो यहाँ पे एक ओर पे 2.5 इंच पे मैं मार्किंग करूंगी एक साइड में और यहां पे मैं वेलक्रो जोड़ूंगी। और जिस तरह यहां पे वेलक्रो जोड़ा है उसी तरह से यहां से मिडिल से मैं इस ओर इस तरह से एक जिप का छोटा टुकड़ा जोड़ूंगी। इस जिप के टुकड़े को मैंने दोनों ओर से क्लोज्ड टैप लगा दिए हैं और यहाँ पे मैं इसके नीचे ये रखूंगी, बिल्कुल यहाँ पे मिडिल पे रखना है और इस तरह से, और यहाँ पे आड़ी स्टिच आएगी। यहाँ पे ये हमारी जिप लग गई और अब हम यहाँ के लिए एक फ्लैप तैयार करेंगे इस तरह से। ये 4.5 इंच बाय 2.5 इंच की एक पट्टी ली है और उसे मैं बीचों बीच फोल्ड करूंगी और यहाँ पे जोड़ूंगी। उससे पहले इसे ओपन करके यहाँ पे बीच में मुझे उसे वेलक्रो जोड़ना है। तो ये जो वेलक्रो का आधा हिस्सा है वो मैं यहाँ पे उसे इस तरह रख के किसी भी एक ओर ये फोल्ड मैंने किया और इस पट्टी के बीचों बीच जोड़ना है मुझे और सीते वक्त इसे ओपन करना है तो इस तरह से वो लगेगा। ये वेलक्रो लग गया, अब वेलक्रो के ऊपर इसे हम फोल्ड करेंगे और दोनों ओर से 1/2 इंच की
सिलाई करेंगे। इस तरह से वेलक्रो की पट्टी हमारी लग गई और अब हम ऊपर से एक फोल्ड करके उसे सिक्योर करके रखेंगे। और अब इस तरह से हमारी ये पॉकेट्स यहाँ पे जहां पे हमने ऊपर से 13 इंच का मार्किंग किया है उसके ऊपर ये पॉकेट हमारी इस तरह से जुड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्टिच आएगी यहाँ पे और ऊपर से। तो यहाँ से पहले हम स्टिच शुरू कर देते हैं। और फिर यहाँ पे ये हमारा फ्लैप रख के यहाँ पे हमें वो फ्लैप लगाना है। तो इस तरह से इनर के लाइनिंग पे हमारे पॉकेट्स लग गए। अब ये जो हमने दूसरी लाइनिंग ली है, जो हमारा दूसरा लाइनिंग का पीस है जो 23 इंचेस बाय 11 इंचेस का है, उसके ऊपर लगाने के लिए भी हमें एक पॉकेट तैयार करना है। और उसके लिए मैंने जिप टैब लगा दिया है और अब ये हमारा पॉकेट 10 इंचेस बाय 11 इंचेस 10 इंच बाय 11 इंच का है। तो जो 11 इंच की हमारी साइड है वहां पे हमें ये जिप लगानी है। और फिर यहाँ पे दाब सिलाई। अब ये जो हमारा पॉकेट है उसे एक ओर से ही पूरा जोड़ना है, गैप रखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा पॉकेट अंदर की तरफ आएगा क्योंकि ये हमारा बढ़ गया है 1 इंच, पर इसे हमें 10 इंच पे ही जोड़ना है। नीचे की तरफ से थोड़ा कम कर देंगे हम और यहाँ पे तीन ओर से सिलाई करके जोड़ देंगे। और पॉकेट का एक्स्ट्रा का पीस काट लेंगे। और अब ये जो हमने 12 बाय 11 इंच का क्विल्टेड पीस लिया था उसे हमें जिप जोड़नी है। तो जिप जोड़ने के लिए इस तरह से मैंने एक जिप तैयार की है जिसे मैंने टैब्स लगाए हैं। और अब ये जो हमारी सीधी साइड है और लेफ्ट टू राइट हमारा रनर आना चाहिए, तो ये सीधी साइड में पहले मैं इस तरह से जिप रखूंगी। यहाँ पे मैं पिन लगा देती हूँ ताकि वो हिले नहीं। और ये जो हमने पॉकेट वाला पीस तैयार किया था जिसपे हमने जिस लाइनिंग पे हमने पॉकेट्स लगाए थे, उस पॉकेट वाले पीस को ये हमारी पॉकेट की साइड नीचे की तरफ आएगी इस ओर, और इस तरह से उसे हमें उल्टा रखना है। यहाँ पे देखिए ये जो हमने पॉकेट्स लगाए हैं वो उसकी अपर साइड यहाँ पे आएगी इस ओर, और जहां पे पॉकेट्स नहीं लगाए हैं उस ओर हमें यहाँ पे इसके ऊपर रख के स्टिच करनी है। इस तरह से यहाँ पे हमें पहले उसे दाब सिलाई करनी है इस ओर, इस तरह से उसे सीधा करना है और दाब सिलाई करनी है। इस तरीके से एक और जिप लग गई और अब यहाँ पे दूसरी ओर से लगाना है जिप, और ये हमारा लाइनिंग पीस यहाँ पे आएगा। तो ये जो मेन पीस है वो इस ओर से फोल्ड होगा और लाइनिंग का पीस उल्टी ओर से फोल्ड होगा, और यहाँ पे उसे हमें इस तरह से सी देना है। इस तरह से, और अब हमें इसे इस तरह से सीधा करना है यहाँ पे फोल्ड होके
इस तरह से हमारे सीधा हो जाएगा। पहले यहां पे हमें दाग सिलाई करके लेनी है ठीक से। यहां पे हमें दाग सिलाई करनी है। दाग सिलाई होने के बाद हमें उसे इस तरह से सीधा करना है। और अंदर से ये हमारे पॉकेट्स यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं। इस तरह से हमारा फ्रंट का साइड तैयार हो गया। अब यहाँ पे कॉर्नर पे हमें उसे मैग्नेटिक बटन्स जोड़ने हैं। तो मैग्नेटिक बटन्स का जो मैग्नेट का हिस्सा रहता है उसे हम दोनों ओर जोड़ेंगे पहले। और उसे जोड़ने के लिए सिर्फ ये ऊपर का हिस्सा जो हमारा है क्विल्टेड उस पे ही हमें जोड़ना है। ये लाइनिंग का पीस पहले नहीं लेना है। तो नीचे से 2 इंच और इस ओर से मैं 2 इंच में मार्किंग करती हूँ यहाँ पे। और यहां से भी तो इस तरह से ये 2-2 इंच पे हमारा ये मैग्नेटिक बटन जुड़ेगा। सिर्फ ऊपर का हिस्सा। और अब हमें इसे साइड से यहाँ पे स्टिच करनी है। और एक्स्ट्रा का हिस्सा काट के फिनिशिंग करना है। और अब ये जो 23 इंचेस बाय 11 इंचेस का लाइनिंग का पीस है उसे हमें इस तरह रखना है इसके ऊपर। थोड़ा एक्स्ट्रा रख के यहां पे मैं ज्यादा रख रही हूं थोड़ा। और यहां पे मुझे उसे मार्किंग करना है जहां पे मेरा वो बटन लगेगा। तो ये पीस हमारा मेन क्विल्टेड पीस पे लगने से पहले हमें इस पीस पे मैग्नेटिक बटन के जो 2 हिस्से हमारे बाकी है लगाने उसे पहले लगा लेना है। और जिप का हिस्सा वहां है वहां वहीं पे ये बाहर की साइड में बटन लगेगा। ये बटन्स हमारे लग गए। और अब बटन्स लगने के बाद हमें इस पीस पे जहां पे हाथी की सीधी साइड है उस ओर हमारे बटन का हिस्सा आएगा इस तरह से। और दूसरा हिस्सा इस ओर आएगा जिप का है वो। और उसे चारों ओर से अब हमें सी देना है। और अब यहां पे हमें उसे थोड़ा कर्व शेप देना है।
तो यहाँ पे कर्व शेप देने के बाद हमें इसे पाइपिंग जोड़नी है बाहर की तरफ से। पाइपिंग के लिए मैंने ये पट्टी ली है और उसे मैं फोल्ड करूंगी। और इसका भी मिडिल मार्क करके ये जो हमारी पाइपिंग की पट्टी है उसका भी मिडिल का मार्किंग मैं यहाँ पे मैच करूंगी और फिर उसे जहां तक हमारा पॉकेट जुड़ा है वहां तक ही ये पाइपिंग जोड़नी है। और इस ओर से भी मैं उसी तरह से जोड़ दूंगी। और अब पाइपिंग सीधी करके उसे अंदर की तरफ से सी देना है। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे अंदर की तरफ उसे सी देना है। इस तरह से पिन से मैंने पाइपिंग को सेट कर दिया है और अब मैं यहां से उसे सी के पूरा कर दूंगी। इस तरह से पाइपिंग हमने पूरी लगा दी है इस ओर भी। और अब ये जो हमारे दोनों हिस्से हैं उसे हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट तैयार करने के लिए मैंने 75 इंचेस बाय 6 इंचेस की बड़ी पट्टी ली है। ये 75 इंच बाय 6 इंच की बड़ी पट्टी ली है और उसे बीचों बीच मैंने फोल्ड करके आयरनिंग कर दिया है। और अब इस पट्टी को हमें जोड़ देना है एक दूसरे पे। इस तरह से सीधी साइड से एक तरफ रख के हमें बीचों बीच उसे जोड़ देना है। इस तरह से पूरी जुड़ने के बाद अब हम इसके बीच में इस तरह से बीचों बीच फोल्ड करेंगे और ये हमारा थ्री फोल्ड पे 3 इंच का बेल्ट रह जाएगा और ये मेरा 2.5 इंच का स्पंज का टुकड़ा है। तो ये स्पंज की पट्टी मैं यहाँ पे बीचों बीच उसके रखूंगी और इससे ओवरलैप करके मैं एक ओर से उसे सी दूंगी। इस ऐसे हमें पूरा बेल्ट तैयार करके लेना है। तो इस तरह से पूरी बेल्ट हमारी सिल के अब तैयार है। सबसे पहले ये जो हमारा पीस तैयार है फ्रंट का उसे हम बेल्ट लगाएंगे। फ्रंट की ओर बेल्ट जोड़ते वक्त जो हमारी क्लोज्ड साइड है उसे पहले हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं रखूंगी और उस पे ये बेल्ट इस तरह ओवरलैप होके यहाँ पे मैं उसे सी दूंगी। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे पूरी हमारी सिलाई मैं यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरह से उसे पाइपिंग के जैसे वो बेल्ट लग जाएगी।
देखिए इस तरह से ये बेल्ट के ऊपर की तरफ रखा और साइड का जो भाग हिस्सा था वो सिर्फ मैंने इस पे फोल्ड करके ये पाइपिंग के जैसे हमारा बेल्ट लग रहा है। यहाँ पे भी कॉर्नर पे फोल्ड करते वक्त थोड़ा ध्यान से उसी तरीके से नीचे की तरफ भी करना है। इस तरह से इस पीस को हमारा बेल्ट लग गया और पूरा बेल्ट हम फोल्ड करते करते सिलाई करके पूरा कर देंगे। तो इस तरह से बेल्ट हमारी फ्रंट पीस को लग गई है और अब ये जो पीछे का हिस्सा है उसे हम फ्रंट का पीस जोड़ेंगे। उसके लिए सिर्फ मैं ये मार्किंग कर देती हूँ पहले और यहाँ पे भी हमें यहाँ तक ही बेल्ट सीना है। ठीक है यहाँ तक ही, तो यहाँ तक बेल्ट सीना है और यहाँ पे हमारे कॉर्नर्स आने चाहिए। तो ये जो हमारा हिस्सा है वो इस तरह से इस कॉर्नर्स पे, देखिए यहाँ दो कॉर्नर पे हमारा सेट करना है और हमें यहां तक ही बेल्ट उसे जोड़ना है और आगे जोड़ना नहीं है। मैं आपको दिखाती हूं कैसे हम करेंगे। यहां पे पहले हम पिंस लगा के कॉर्नर सेट करके रखते हैं। मैंने कॉर्नर सेट करके रखे और अब यहां पे एक ऐसा फोल्ड और एक इस तरह से फोल्ड, दो फोल्ड हुआ क्योंकि ये अनफिनिश्ड एज है, तो एक पहला फोल्ड ऐसा आएगा और एक इस तरह से। तो थोड़ा शुरू से मैं पहले से यहां पे शुरू कर देती हूं, एक फोल्ड ऐसा और उसके ऊपर एक फोल्ड करके मैं यहां से बेल्ट सीना शुरू कर देती हूं। उसी तरह से आगे आगे सीते जाना है। यहां तक आने के बाद यहां से ये यहां पे ऐसे मेजरमेंट लेके, देखिए ये यहां पे आएगा तो यहां से हमें ये जो है हिस्सा हमारा वो वहां पे सेट कर देना है और बेल्ट के फोल्ड में उसे रखते जाना है सिर्फ इस तरीके से। यहां से मैंने बेल्ट फोल्ड करना शुरू किया और जहां पे मैंने मार्किंग किया था यहां पे, वहां पे मैंने यहां से उसको रख के मैंने उसे सीना शुरू कर दिया। अब मैं ये पूरा बेल्ट यहां तक उसका सी दूंगी उसी तरह से फोल्ड करते करते। और ये इसे क्या करना है, ये दो फोल्ड आएगा और एक फोल्ड पहला लेके दूसरा फोल्ड करते वक्त इसे हमें ये जो पीस है उसे बीच में इसे रखना है और उसे सी देना है।
और जहां तक हमने मार्किंग किया था वहां तक ही सीना है, उसके बाद ये फ्लैप बाहर की तरफ करके बेल्ट सी के पूरा कर देना है। तो इस तरह से बेल्ट फोल्ड्स कंटिन्यू करते हुए ये हमारा बेल्ट भी पूरा सिल गया है और ये फ्लैप हमारा यहाँ पे आके ये बैग हमारा तैयार है। तो इस तरह से हमारा आज का ये कॉलेज बैग बनके अब तैयार है। देखिए यहाँ पे मैंने टैसल्स लगाए हैं, इसके लिए वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे देखिए ये एक बड़ा पॉकेट है हमारा और यहाँ पे अंदर हमने दो छोटे पॉकेट्स तैयार किए हैं और एक पॉकेट हमारा यहाँ पे है पीछे की साइड में और एक ये बड़ा पॉकेट आपको मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी एक विंडो पॉकेट तैयार कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइए और मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज थम्स अप दीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं फिर एक बार आऊंगी कुछ नया लेके, तब तक थैंक यू।